न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भारी बारिश के कारण ही उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश और बाढ़ के संकट में सीएम योगी एक बार फिर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकले हैं और इसी को लेकर ही बुधवार से उन्होंने युद्ध स्तरीय दौरा कर शुरू कर दिया है। पहले दिन बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार और शुक्रवार को बस्ती और गोरखपुर मंडल के जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले राप्ती, रोहिन, घाघरा आदि नदियों में ही बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित की सहायता से ही उन तक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए न केवल निर्देश दिए गए बल्कि प्रतिदिन इसकी समीक्षा में ही सीएम खुद कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, पीलीभीत, संभल, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर में बाढ़ के कारण लोगों का बुरा हाल है। बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वो बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही नदियों के उफान से बता दें कि डूबने का अंदेशा लगाया जा रहा है और यूपी में ही हर जगह बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही है। यूपी में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति हो गई है। बता दें कि नदियों के उफान में डूबे शहर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें देख लीजिए, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, पीलीभीत और संभल, इसके साथ ही श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर में बाढ़ के कारण लोगों का बुरा हाल है और लगातार लोगों के बचाव कार्य किए जा रहे हैं और उसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अब दौरे पर हैं। तो गोरखपुर के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी के कारण लोगों का बुरा हाल है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, नदियों के उफान पर देखने को मिल रहा है। यूपी के हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं आपको गोरखपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नाव की सहायता से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता गोरखपुर से धनेश जुड़ चुके हैं। धनेश, बाढ़ की स्थिति हो गई है, लोगों को किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है, अभी की क्या स्थिति वहां पर है? जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए, बाढ़ की स्थिति 7 तहसील है गोरखपुर जनपद में, 7 तहसीलें हैं, 6 जिसमें से 6 जो बिल्कुल महरून हो चुके हैं, पानी से लबालब हो चुके हैं। गाँव ग्रामीणों का कहना है कि इसी तरह जो है अपने खुद के नाव से लोग आके बस रहे, अपने जो फसलें हैं उनको बचा रहे हैं। जो भी फसलें उनकी थी, थोड़ी बहुत फसलें जो बारिश की वजह से बची हुई थी, पहले तो बारिश में हुआ, बाद में जब बाढ़ आ गई, बाढ़ में जो फसलें बची हुई थी उन फसलों को निकाल के किसी तरह अपने नावों के द्वारा जो है जो उसको फसलों को निकाल के ले जाके बेच रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, दूसरे के सहयोग से बचाव कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन का कहना है कि जब हम आपदा प्रबंधन से बात की तो उन्होंने कहा कि सारी चीजें, नावें लगाई गई हैं, 42 नावें लगाई गई हैं, जहाँ भी जरूरतें हैं सभी नावें चल रही हैं। लेकिन जब हम लोग मौके पर गए, ग्राउंड जीरो पे गया या ग्रामीणों से बात किया जाता तो ग्रामीणों का सीधा आरोप था कि अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं हुई, न पहुंचाई जा रही है, ना हमको कोई जो है खाने का जो चारा जो है, तो पशुओं के लिए चारे की बात कहें तो उसमें भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो गोरखपुर की स्थिति देख रहे हैं आप, बाढ़ के कारण लोगों का बुरा हाल है, लगातार लोगों के घरों में पानी भरता जा रहा है। वहीं प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर, बाराबंकी से और बस्ती से भी, और गोरखपुर की जहाँ बात कर रहे थे हम, गोरखपुर में देख सकते हैं कि अपने नाव के जरिए ही लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ स्थिति जो है वो लगातार गंभीर नजर आ रही है। संभल की बात कर लें, संभल में भी यही हालात है, लोग नाव के जरिए ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में भी पानी भरा हुआ है, श्रावस्ती में भी लगातार लोगों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है।
सिद्धार्थ नगर की भी तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोगों का बुरा हाल है, वहीं मरीजों की बात कर ले तो मरीजों को भी अस्पताल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ नगर से दीप जुड़ चुके हैं। दीप, बाढ़ की स्थिति बन चुकी है और लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग, नंगे पैर ही पानी में घुस रहे हैं और लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से क्या सुविधाएं दी जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये सिद्धार्थ नगर जिला जो है 5 तहसीलों का जिला है और लगभग सारी तहसीलों में बाढ़ से तबाही बहुत बुरी तरीके से है। ये लगभग 6-7 दिनों से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। प्रशासन को इसकी तैयारियां करनी चाहिए थी, जो कि प्रशासन ने सही तरीके से नहीं किया और ये पानी लगातार बढ़ता गया और जिले के लगभग हर हिस्से में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग घरों से पलायन करने पे जो है मजबूर हैं। कई जगह पे बांध कट गया है। एक जगह तो ऐसा था जहां से रिक्शे से लोग घर जा रहे थे, 4 लोग पानी में बह गए, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। इसी तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों की फसलें डूब गई हैं। प्रशासन अब जाके हरकत में आया है, क्योंकि सीएम का जो आज सिद्धार्थनगर दौरा है, कल रात से ही प्रशासन के लोग एक्टिव हुए हैं और लगातार जो है गाँव में संपर्क कर रहे हैं और लोगों को सहायता देने की उम्मीद जता रहे हैं। जी दीप, कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही थी बाढ़ के कारण, इसमें कितनी सच्चाई सामने आई है अभी तक? जी, यह सही है। एक परिवार था नेपाल, अपने ससुराल से सिद्धार्थनगर आ रहा था, जो इटवा और बढ़नी रोड पर एक नाला जाता है जिसे बिगौवा नाला कहते हैं, उसके पास रोड के ऊपर हाईवे के ऊपर से पानी जा रहा था और उसमें से वो रिक्शा लेके निकल रहा था, जो रिक्शे समेत रिक्शा चालक और उस एक औरत थी उसके साथ 2 बच्चे, 4 लोग बह गए, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी दौरे पर हैं और लगातार जायजा लेने में लगे हुए हैं और यूपी में ही जो स्थिति जो बनी हुई है बाढ़ के कारण, लोगों का जो है बुरा हाल है, बाढ़ के कारण पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं अगर मरीजों की बात की जाए तो मरीजों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बाढ़ के कारण और इसी के साथ ही कई फसलें भी खराब हो गई हैं। वहीं किसान भी रोता हुआ नजर आ रहा है, आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, बलरामपुर की बात कर ले वहाँ भी तस्वीरें ऐसी ही हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।